हाउ टू गेन वेट फॉर स्किनी गाइज। हे गाइज, मेरा नाम है सौरभ और गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे 5 टिप्स जिनको फॉलो करके पतले लोग अपना वजन जल्द से जल्द बढ़ा सकते हैं। मगर गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइज, अगर आपको मेरे से मील प्लान या डाइट प्लान बनवाना हो तो आप मेरे को रीच कर सकते हो sauravatspersonaltraining@gmail.com पे। टिप नंबर 1 है गाइज, पॉजिटिव कैलरी बैलेंस। आपको अपनी बॉडी को हमेशा पॉजिटिव कैलरी बैलेंस में रखना है अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी वेट गेन करे। पॉजिटिव कैलरी बैलेंस से मेरा मतलब क्या है? पॉजिटिव कैलरी बैलेंस से गाइज मेरा मतलब सिंपल सा है कि आपको मेंटेनेंस कैलरीज से ज्यादा कैलरीज कंज्यूम करनी है। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमें कितनी कैलरीज खानी है वेट गेन करने के लिए? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज करनी है, अपने फोन के अंदर कैलकुलेटर खोलो और उसके अंदर 32 को मल्टीप्लाई करो अपने बॉडी वेट से जो कि केजीज के अंदर होगा, और जितना भी नंबर आता है उसको ऐड कर दो, उसके अंदर ऐड कर दो 300। तो जितना भी नंबर आएगा उतनी कैलरीज आपको कंज्यूम करनी है वेट गेन करने के लिए। तो गाइज इसे हम कहेंगे पॉजिटिव कैलरी बैलेंस। तो गाइज टिप नंबर 1 है कि आपको हमेशा पॉजिटिव कैलरी बैलेंस में रहना अगर आप चाहते हो वेट गेन करना। टिप नंबर 2 है गाइज ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी। अब गाइज ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी के अंदर मैं आपसे 3 चीजें डिस्कस कर रहा हूं, लो वॉल्यूम, लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई एफर्ट ट्रेनिंग। अब गाइज लो वॉल्यूम से मेरा मतलब क्या है कि गाइज जो भी वर्कआउट आप करते हो उसके अंदर आपको ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करनी पर्टिकुलर मसल की, आपको कम से कम एक्सरसाइज करनी है। दूसरी चीज है लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी से सिंपल सा मीनिंग है कि आपको हफ्ते में 4 से 5 बार ही ट्रेन करना है, उससे ज्यादा बिल्कुल ट्रेन नहीं करना, और वो भी 45 मिनट्स तक ही ट्रेन करना है, उससे ज्यादा बिल्कुल ट्रेन नहीं करना। और गाइज थर्ड पार्ट आता है हाई एफर्ट ट्रेनिंग। हाई एफर्ट से मेरा मतलब है गाइज कि अब लो फ्रिक्वेंसी या लो वॉल्यूम हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट नहीं लगाओगे। अगर आप कम एक्सरसाइज कर रहे हो, हफ्ते में 4 या 5 दिन ही एक्सरसाइज कर रहे हो, तो गाइज उसमें आपको अपना 100% देना है। 100% से मेरा मतलब क्या है? 100% से मेरा मतलब है कि जो भी सेट्स आप लगा रहे हो, जो भी आपके वर्किंग सेट्स होते हैं, उसमें आपको 100% देना है। उसमें आपको ये नहीं सोचना कि 8 रैप निकालने हैं, 10 रैप निकालने हैं, उसमें आपको फेलियर तक जाना है। जब तक आपका मसल फेल नहीं हो जाता उस वेट में जो भी आपके वर्किंग सेट के लिए, तब तक आप रैप निकालोगे। और कोशिश करो जो वर्किंग सेट्स आपके हो उसमें आप ड्रॉप सेट्स लगाओ, उसमें आप फोर्स सेट्स लगाओ, उसमें आप पोज सेट्स लगाओ, ऐसी ऐसी टेक्निक यूज करो जिससे आपका हाई एफर्ट लग सके। तो गाइज इसलिए ट्रेनिंग के अंदर आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आप लो वॉल्यूम, लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई एफर्ट ट्रेनिंग को जरूर फॉलो करो। और गाइज दूसरी चीज आती है कार्डियो। बहुत से लोग ये मिथ रहता है कि भाई वेट गेन करने के लिए हमें कार्डियो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज मेरे ओपिनियन में ना कार्डियो कोई बुरी चीज नहीं है, आप वेट गेनिंग के अंदर कार्डियो डेफिनेटली कर सकते हो। मगर एक चीज ध्यान में रखो कि वेट गेन करने के लिए आप कैलोरी सरप्लस में रहोगे, तो गाइज कार्डियो करने से बेसिकली क्या होगा कि आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। तो गाइज अगर आप कार्डियो करते हो तो कोशिश करो हफ्ते में 1 या 2 बार ही कार्डियो कर लो, और उसको हाई इंटेंसिटी का मत करो, लो इंटेंसिटी का रहने दो और उसकी ड्यूरेशन भी कम कर दो। तो गाइज कहने का मतलब है कि ज्यादा कैलोरीज आपको बर्न नहीं करनी और ट्रेनिंग इंटेंसिटी हमेशा हाई रखनी है जब भी हाई एफर्ट ट्रेनिंग करते हो तो। गाइज टिप नंबर 3 है ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। हमेशा आपको एक वेल बैलेंस्ड डाइट जरूर कंज्यूम करनी है अगर आपका गोल है वेट गेन करना। बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं, सबसे पहली गलती जो काफी लोग करते हैं वो है फैट। काफी लोगों को ऐसा लगता है अगर फैट इंक्लूड कर देंगे अपनी डाइट में तो जल्द से जल्द वेट गेन हो पाएगा। गाइज ये सही है कि 1 ग्राम फैट के अंदर 8 कैलोरीज होती हैं, और वहीं पे 1 ग्राम कार्ब्स या प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती है। मगर गाइस फिर भी आपको कैलोरी सरप्लस के गोल को रीच करने के लिए कभी फैट पे डिपेंड नहीं रहना। अगर आप फैट्स को इंक्लूड करोगे तो आपकी बॉडी फैट स्टोरेज को और बढ़ाती चली जाएगी, उसको बर्न नहीं करेगी। और गाइस यहां पे आपका बस वेट गेन करना ही एक गोल नहीं है, आपका हेल्दी वेट करना एक गोल है। तो गाइस कोशिश करो बस फैट्स की हेल्प से आप कैलोरी सरप्लस के गोल को रीच ना करो। दूसरा है कि गाइज एडिंग अ जंक कैलोरीज। बहुत से लोग ये भी गलती कर देते हैं कि वो जंक फूड से कैलोरीज बढ़ाने लग जाते हैं। गाइज लोग अगर आपका यहां पे गोल बस वेट गेन करने का नहीं है, एक हेल्दी वेट गेन करने का है, तो कोशिश करो कि अच्छे फूड्स को इंक्लूड करो जिससे आप वेट गेन कर पाओ। और गाइज काफी लोग ये अक्सर मिस्टेक कर देते हैं एडिंग अ टू मैनी कैलोरीज। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सरप्लस कर लेंगे तो जल्द से जल्द वेट गेन हो पाएगा। गाइज बहुत बड़ा सरप्लस करने से जल्द से जल्द वेट गेन नहीं होगा, या वेट गेन हो भी जाएगा मगर वो फैट गेन के अंदर ही होगा, वो आपका मसल गेन के अंदर नहीं होगा, फिर आप वेट लूज करने लग जाओगे। तो गाइज इससे अच्छा है धीरे धीरे अप्रोच को चलने दो, धीरे धीरे कैलोरी सरप्लस के गोल को पूरा करो। ये नहीं कि एकदम से 1000 कैलोरीज पे पहुंच जाओ या फिर एकदम से 1000 कैलोरीज का सरप्लस कर लो।
ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। तो गाइज आपको तीन मिस्टेक हमेशा अवॉइड करनी है जब भी वेट गेन की तरफ जाना है। सबसे पहला है कि आपको कभी भी फैट से अपनी कैलोरीज को नहीं बढ़ाना, दूसरा है जंक कैलोरीज की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना, और तीसरा है कि आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज एकदम से ऐड नहीं करनी अगर आपका गोल है वेट गेन करना। और गाइज वेल बैलेंस डाइट से मेरा मतलब क्या है? वेल बैलेंस डाइट से गाइज मेरा मतलब है, या मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर जो देखा है, अगर आप 50, 30 या 20 का रेशियो लेते हो, मतलब कि आपकी जितनी भी कैलोरीज हैं, जो भी आप वेट गेन करने के लिए खा रहे हो, उसमें 50% कार्ब्स होते हैं, 30% प्रोटीन होता है और 20% फैट होता है, तो आप एक हेल्दी और वेल बैलेंस डाइट कंज्यूम करोगे। तो गाइस इसलिए कोशिश करो कि अगर आपको नहीं पता कि कितनी बैलेंस डाइट करनी है, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो आप चूज कर सकते हो 50, 30 और 20 का रेशियो। गाइस टिप नंबर 4 है स्लीप। अपनी बॉडी को स्लीप देना गाइस उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने की ये सारे टिप्स। अगर आप अपनी बॉडी को 6 to 8 hours की साउंडफुल स्लीप नहीं देते हो तो गाइस ये सारे टिप्स फॉलो करना भी आपके लिए बेकार है। स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है अगर आपका गोल है वेट गेन करना। अगर आप अपनी बॉडी को ढंग की स्लीप नहीं देते हो तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहली चीज आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा आपकी बॉडी के अंदर, दूसरी चीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, थर्ड थिंग आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बेकार इफेक्ट्स पड़ेंगे, और गाइस फोर्थ थिंग आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। तो गाइस इसलिए स्लीप देना अपनी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 6 to 8 hours की डेली साउंडफुल स्लीप देना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका गोल है वेट गेन करना। गाइस लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स की हेल्प से गाइस आप कैलोरी सरप्लस के गोल को आसानी से रीच कर सकते हो, मगर गाइस सप्लीमेंट्स हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फूड से सारी कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हो, तो सप्लीमेंट्स कंज्यूम करना आपके लिए कोई एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। सप्लीमेंट्स बस उन लोगों के लिए हैं जिनको ऐसा लगता है कि एडिशनल कैलोरीज खाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, या फिर डे टू डे लाइफ में वो एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इसलिए वो सप्लीमेंट ले सकते हैं। सप्लीमेंट जैसे कि मास गेनर्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि उनको कंज्यूम करने से आप एडिशनल 300 से लेकर 400 कैलोरीज आपको आसानी से मिल जाती हैं, और साथ के साथ वो मिल्क या वाटर में भी आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, और साथ के साथ बहुत सारे फ्लेवर्स के अंदर आते हैं, तो इसलिए आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी वो फिट बैठ जाएंगे। तो गाइस इसलिए सप्लीमेंट्स कोई बुरे प्रोडक्ट्स नहीं है, या सप्लीमेंट्स कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो कि आपको मैजिकली जल्द से जल्द रिजल्ट्स दे देंगे, मगर सप्लीमेंट्स अगर आप ढंग से यूज करोगे तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। और गाइस मैं सप्लीमेंट्स खासकर मास गेनर्स जो प्रेफर करता हूं वो है मसल ब्लेज का, और आपकी चॉइस है। वैसे मैं ब्रांड पे विश्वास नहीं करता, मगर आप जो ब्रांड आपको अच्छा लगता है आप उसका मास गेनर या फिर उसके प्रोटीन पाउडर्स चूज कर सकते हो। गाइस अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर अभी तक जुड़े हुए हो तो गाइस आपके साथ मैं एक बोनस टिप शेयर कर रहा हूं गाइस, वो है कंसिस्टेंसी। गाइस जितने भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करें या फिर कोई भी आपको कोई भी टिप देता है, तो गाइस वो आपको एक दिन में या दो दिन में मैजिकली रिजल्ट्स नहीं दे देंगे, उनको रिजल्ट देने के लिए कम से कम 3 weeks या 4 weeks लग सकते हैं। तो गाइस कंसिस्टेंट रहो, कोई भी प्लान, कोई भी किसी के भी टिप्स आप फॉलो करते हो तो उनके साथ कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि आपने एक दिन करा, अगले दिन नहीं करा, तीसरे दिन करा, चौथे दिन नहीं करा, पांचवें दिन करा, छठे दिन नहीं करा, ऐसे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कोई भी प्लान फॉलो कर रहे हो, किसी के भी टिप्स फॉलो कर रहे हो, तो डेली फॉलो करने हैं, डेली अपने आपको अकाउंटेबल बनाना है। तो गाइस इसलिए कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा और एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है अगर आप चाहते हो कोई भी गोल अपना रीच करना। और खासकर जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो कोशिश करो जितने भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं उनके साथ कंसिस्टेंट रहो, एक प्लान बनाओ ये सारे टिप्स को फॉलो करके और उसके साथ कंसिस्टेंट रहो। तो गाइज आज की वीडियो, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड गाइज सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।